नमस्कार, आरती न्यूज में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ पल्लवी जी हैं, यानी बनारस में आज आए हैं हम, और समर जी के साथ में काफी ये गाना की हैं। सबसे पहले आरती न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए, जो समर सिंह का घटना और आकांक्षा दुबे का हुआ, कैसे लड़के हैं ये समर जी? बहुत अच्छे लड़के हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलूँ, इंसानों में तो मेरे फेवरेट थे वो, मतलब थे क्या है। कितने एल्बम किए हैं समर जी के साथ? काउंट तो मैंने नहीं किया है, लेकिन फिर भी 30-32 तो होंगे, उसे भी एवा भी होगा। आपका भी पैसा नहीं मिला है क्या? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। इनफैक्ट मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मेरे बाद मुझे अगर ज़रूरत पड़ा है तो मुझे समर जी दिए भी हैं, मेरे मुसीबत में समर जी मेरे साथ खड़े भी रहे हैं। लेकिन आकांक्षा दुबे के पैसा नहीं दिया है, क्यों? आपको आकांक्षा जी बोली हैं अपने मुँह से? नहीं, आरोप लग रहा है, माँ आरोप लगा रही हैं, इसीलिए ना मैं फीडबैक ले रहा हूँ कि आपका पैसा रखे हैं क्या। नहीं तो जब आपको पहला पैसा बाकी था तो देखिए, अभी तो मान लीजिए, खैर आकांक्षा जी है नहीं, भगवान मुझे माफ़ करना, लेकिन देखिए सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपको आरोप लग रहा है तो अभी के डेट में मेरा अगर किसी शूटिंग पे किसी अगर हाफ पेमेंट भी बचता है तो मैं तो नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, सुबह सेट पे आते हैं, शाम को रात तक काम करते हैं, ठंडी होता है फिर भी इंसान वेस्टर्न ड्रेस पहन के बिना स्वेटर जैकेट का काम करता है, क्यों पैसे छोड़ेगा? बिल्कुल। तो देखिए, और अभी का जनरेशन ऐसा है, कोई भी इंसान हो, हर इंसान पैसे के लिए काम करता है, पैसे के लिए जीता है, पैसे के लिए मरता है, पैसे, क्योंकि भाई उसको पेट पालन पोषण, रहना, कपड़ा पहनना, घर द्वार, सब कुछ उसी से मेंटेनेंस होना है, तो पॉसिबल ही नहीं है। और देखिए, ये बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि आर्टिस्ट मतलब आप अगर आपका 3 करोड़ रुपया बाकी है, उसके बावजूद आपने महंगे फ़ोन्स दो प्लस आपके मेंटेनेंस प्लस गाड़ी प्लस घर द्वार बॉम्बे में, तो इसका मतलब कि आप महीने का कम से कम 10 करोड़ रुपया 15 करोड़ रुपया कमाई होंगी, जिसमें से 3-4 करोड़ रुपया आपका बाकी रहा है, बाकी करोड़ तो भोजपुरी में, और वो भी एल्बम और पिक्चर आर्टिस्ट, सॉरी, पॉसिबल नहीं है इतना पैसा कमाना, क्योंकि मैं 5 से 6 साल से इस लाइन में काम कर रही हूँ, और मैं डेली ही माता रानी की कृपा से, कोई ऐसा डे नहीं होता है जिस दिन मैं फ्री रहती हूँ, मैं अपनी स्वयं इच्छा से फ्री रहती हूँ, शूट नहीं करती हूँ, और मैं तो लोकल का ज़्यादा शूट करती हूँ, खैर मैं तो स्टारों का बहुत ही कम करती हूँ, तो जहाँ तक मुझे पता है कि पॉसिबल ही नहीं है इतने पैसे कमाना। और रहा बात अगर इल्ज़ाम लग रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, समर जी के साथ का जितना गाना है समर जी के चैनल का, आप लोग जाके वीडियो उठा के देख लीजिए, प्लस उनका मार्केट में जो पेमेंट था पता करके आप लोग जोड़ दीजिए कितने पैसे हैं। अच्छा, समर जी और आकांक्षा दुबे के रिलेशन क्या है? आकांक्षा जी ने तो एक वीडियो में खुद ही बोला है, और रहा बात बहुत पर्सनली तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ उनकी बातें चीत होती थी, वो लोग एक क्लोज दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड थे, उस चाहे उसको गर्लफ्रेंड बोलिए, बॉयफ्रेंड बोलिए, दोस्त बोलिए, जो आपको बोलना है बोलिए, लेकिन वो लोग एक अच्छे दोस्त थे। और आप एक बात बताइए कि समर जी या अगर आकांक्षा समर जी पे जो इतना गंदा इल्ज़ाम लग रहा है, अक्सर आपको पता होगा कि जब दो लोगों की बात होती है तो उसमें तीसरा ही बाजी मारता है हमेशा, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आकांक्षा ने ऐसा किया, क्योंकि आकांक्षा वाकई में बहुत स्ट्रांग थी, मैं ऐसा नहीं कह मानती है कि स्ट्रांग थी। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि आकांक्षा स्ट्रांग थी। अरे क्यों नहीं स्ट्रांग रहेगी, जो ये लड़की अपने पैर पे स्टैंड होके अपनी पूरी फैमिली को चला रही थी तो बिल्कुल स्ट्रांग होगी, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि समर जी ऐसा कर सकते हैं, मैं ये नहीं मानती, मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो आत्महत्या की, हो सकता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ हो उसके साथ चीज़ें, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो समर जी की है, हो सकता है उसके पीछे कोई तीसरा हो। सब लोग इतना अंधा समर जी के पीछे पड़े हुए अंधे होके कि समर किया, लेकिन हो सकता है जो उसके पीछे किया हो वो बच रहा हो, जो बेगुनाह हो वो फंस रहा हो, क्योंकि समर जी बहुत स्ट्रगल करके इस लाइन में आए। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा नहीं कि उनको एक बैग स्टार्टअप मिल गया, सिंगर बन गए, जी नहीं, उनके मम्मी पापा कोई नहीं, इतने छोटे से थे, आप किसी से पूछ लीजिएगा, जो सीनियर डायरेक्टर हैं वो शूटिंग पे ऐसे बेवजह फिजूल आके बैठे रहते थे, बेवजह बिना काम का, इंसान वहाँ से शुरुआत किया, सीखा, समझा, लोगों की बातें सुना, साउंड से लेके सारी चीज़ का काम किया, तब आज जाके इंसान आगे बढ़ा है ना, तो वो इंसान कैसे किसी आर्टिस्ट का कदर नहीं करेगा। आप मुझे एक बात बताइए कि आकांक्षा जी और समर जी का कौन सा ऐसा वीडियो में आपको देख के लगा है कि समर जी उसको इग्नोर करते हैं? बिल्कुल कोई वीडियो में नहीं। अगर वो लोग रील्स भी बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें कहाँ से कहीं से ऐसा लगता है कि नहीं वो लोग बैड कपल हैं, या फिर मतलब अच्छे से इन दोनों की फाउंडेशन नहीं है, या आकांक्षा एक बार भी समर जी के प्रति कभी लाइव में बोली हो कि नहीं नहीं कुछ भी, वो जब भी की है समर जी की तारीफ ही की है, तो आप बताइए। देखिए, इंसान है, इंसान 1 महीना झेलेगा, 2 महीना झेलेगा, 3 महीना झेलेगा, 3 साल नहीं झेलेगा। अगर समर जी गलत होते तो आकांक्षा जी कभी उनको 3 साल नहीं झेल पाती, और अगर आकांक्षा जी सारी बात अपनी माता जी को बताती तो उनकी माता जी अपनी बेटी को इतना तकलीफ में कभी नहीं देख पाती कि 3 साल उनको झेलने देती।
हम उनकी माँ का तकलीफ समझ रहे हैं कि भाई किसी की भी बेटी वो तो फिर भी बहुत हिम्मत है, उनकी हिम्मत का दाद देना पड़ेगा कि इतना बोल रही हैं। मेरी माँ तो शायद बेहोश हो जाती, वो तो बोल भी नहीं पाती अगर मैं आकांक्षा की जगह पे ऐसे रहती तो। लेकिन देखिए बोलना वही चाहिए जो सच हो। कि देखिए अपनी औलाद के लिए इतना भी इंसान को दुखी नहीं होना चाहिए कि दूसरे की औलाद को परेशान कर दे। बिल्कुल, देखिए यही जो समर सिंह के साथ काफ़ी जो ये गाना करती हैं और साथ में यानी कहिए आप ये बताइए आकांक्षा दुबे और आपका साथ क्या बहन के रिश्ता था? नहीं देखिए हम बहुत तो क्लोज नहीं थे, लेकिन जब भी आकांक्षा से मैं मिली हूँ मेरा अच्छा ही मुलाकात हुआ है आकांक्षा से, हमसे तो बहुत अच्छा बातचीत होता था पहले। ऐसी नॉर्मल कैसी हो, हाँ ठीक है, बाकी अगर सेट पे कभी खाना होना हुआ तो साथ में बैठ के खा लेते थे, बाकी मैं पर्सनली ना पूछती थी ना मैं जानती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि बनारस आती थी तो बोलती थी कि पल्लवी कहाँ हो या कुछ भी, तो हमारी कभी कभी मुलाकात हो जाती थी। लेकिन पहले आज से 2 साल पहले जब वो नई नई समर जी से जुड़ी थी, समर जी से मिली थी, बाकी 2 साल में थोड़ा सा आकांक्षा हो सकता है बिजी भी हो गई होगी काम में या फिर जो भी हो, तो थोड़ा सा हमारी कम बातचीत होती थी या फिर कम मुलाकात होती थी। समर जी की शूटिंग पे साथ में बहुत बार ऐसा शूटिंग करते थे तो शूट पे मुलाकात होती। उसके बाद समर जी के साथ कौन कौन गाना किए हैं दर्शकों को बता दीजिए? समर जी के साथ तो बहुत सारे गाना है, तो वो बता दीजिए हिट। दावत तारे हो सहियाँ, भता रोट लाली पे जिया था, मतलब बहुत सारे गाने हैं, लाइव गाने तो बहुत सारे हिट है। तो खैर अभी तो गाने का मान लीजिए कोई मुद्दा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, आरती लाइव बनारस।